ये 73 नंबर का काम शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन अभी इन के लिए है, यहाँ पे पूरा टिकट नंबर आएगा तो बाहर कार्ड को कार्ड वेरीफाई करके उसको इन कर देगा। मैं इनका प्रोसेस ले रहा हूँ, यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ पे डिस्प्ले पे पूरा उसका डिटेल दिखाएगा, गाड़ी नंबर, कार्ड नंबर वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे एक बैरियर दिया गया है, तो यहाँ पे वो व्हीकल नंबर बैरियर यहाँ पे अपना रिजर्व दिया गया है, ये गाड़ी नंबर आएगा, यहाँ पे वो टैग है चिपका है। एक्सेप्ट होते ही ये बैरियर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते ही बैरियर ओपन होते ही ये गाड़ी बैरियर ओपन हो जाएगा, गाड़ी अंदर चली जाएगी। फिर दूसरी गाड़ी आएगी और बैरियर ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू बंद हो जाएगा और बंद हो जाए ये प्रोसेस। ये बेवरेज का स्क्रीन है, इसमें लाइव वेट रहेगा जो ऊपर इंडिकेटर में है, एट ए टाइम वही वेट यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे बाकी सब डिटेल्स दिया हुआ है, मैनुअल है, ग्रोथ है, फेयर है और लास्ट टिकट वाला नंबर जो है हुआ है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे दो इन और आउट का जो कैमरा दिखाई देगा, यहाँ पे हमारा सेंसर वगैरह जो है वो दिखाई देगा, वो अभी गाड़ी पोजिशन में है कि नहीं, यहाँ पे अपना गाड़ी का नंबर चेक के लिए इन दिया हुआ है। बाकी सब जो डाला हुआ है यहाँ पर कार नंबर आएगा, दूसरा व्हीकल का टैग ऑटोमेटिकली कर लेगा और कार पहुंच करेगा उसी समय वो लिंक हो जाएगा। सेम सिस्टम एक सिस्टम सामने भी दिया हुआ है, लेजर प्रिंटर रख दिया है उसी के लिए, तो वो प्रिंट प्रिंट करता रहेगा। उसके अंदर यहाँ पे हमारा एक साउंड रिकॉर्डर दिया गया है, वो साउंड रिकॉर्ड करता रहेगा। और दूसरा UHF रीडर दिया गया है इसके अंदर, ये आउटडोर बॉक्स है, फिर वैसा है। यहाँ पे एक पैनल रहेगा हमारा, वो पैनल में यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं और वो व्हीकल का पोजीशन लेगा। वैसे ही दूसरा एक पैनल दिया गया है दूसरे कंट्रोलर के लिए, जो दूसरा पैनल को मैनेज करता रहेगा। यहाँ पे आमने सामने दो वेबरिज है, दोनों वेबरिज पे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, बीच में ऑफिस है। यहाँ पे पीछे ट्रक में क्यू रहेगा, यहाँ पे हमारा लाइट के पीछे एक रीडर है, यहाँ पे कैमरा दिया गया है इन और आउट के लिए। यहाँ पे एक मिडल में लाइट रहेगा जो ड्राइवर को इंडिकेट करेगा पोजीशनिंग सिस्टम। वैसे ही सामने एक ग्रीन कलर का लाइट रहेगा, वो भी सिस्टम को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे हमारा एक ट्रक पे ट्रैक लगा होगा, यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है सबका, ये क्यू में खड़ा हुआ है। यहाँ पे आउटसाइड पे दो डिस्प्ले दिया हुआ है, वो दोनों डिस्प्ले व्हीकल का नंबर बताएगा, ग्रॉस वेट, टेयर वेट और नेट वेट बताएगा दोनों का अलग अलग। दोनों का साउंड दिया गया है तो साउंड अनाउंसमेंट करता रहेगा दोनों साइड पे। यहाँ पे भी स्पीक कर रहा है, शुक्रिया, कार्ड रीडर को बंद करिए, गाड़ी नंबर दिखा रहा है, डिटेल में अभी कुछ नहीं है इसीलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। इसमें अभी दूसरा गाड़ी आ रहा है वेब्रिज से, उसका नंबर है 8447। वो जब पोजीशन में आएगा उसी टाइम पे रीड और लाइट उसका काम करेगा, ए सेंसर दिया हुआ है सभी, उसके हिसाब से व्हीकल अपना पोजीशन में आता रहेगा। अभी डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिया गया है, वो वैसे ही ग्रीन आ रहा है। अभी वो पोजीशन में आते ही वो साउंड अनाउंस करेगा उसका व्हीकल का नंबर और व्हीकल का टैग। ये दूसरा एक व्हीकल आया, यहाँ पे उसका नंबर दिख रहा है, वो गाड़ी अभी वेब्रिज पे खड़ा हुआ है। ये दूसरा गाड़ी आ रहा है 3447 है, उसका नंबर अभी नहीं आया है, जब वो पोजीशन में आएगा तभी उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये गाड़ी का नंबर है यहाँ पे और ये पोजीशन में आते ही अनाउंस करने लगा, अंदर से सॉफ्टवेयर चालू कर लिया, एक गाड़ी नंबर पिक कर लिया और गाड़ी का नंबर बोलेगा, वेट बोलेगा, उसका टेयर वेट, ग्रोस वेट जब पेमेंट हो जाएगा नेट वेट भी आ जाएगा और फिर उसको जाने का अनाउंसमेंट हो। इसी टाइम पे ये ग्रीन लाइट चालू हो जाता है और आउट का दोनों साइड पे ये रेड लाइट चालू हो जाता है
और ग्रीन लाइट ऑफ हो जाता है।